हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है आपके अपने चैनल प्रीति मिस्ट्रेस लाइफस्टाइल में। कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो बस आज मैं न्यू वीडियो के साथ फिर से हाजिर हूँ आपके सामने। तो आज की वीडियो में मैं आपके सामने शेयर करने के लिए जा रही हूँ, जो हाउसवाइफ्स होती हैं वो घर में अपने आप को कैसे मेंटेन रख सकती हैं, कैसे अपने आप को स्मार्ट दिखा सकती हैं और किस तरीके से वो घर में मेकअप करें ताकि वो स्मार्ट दिखे। तो बस मैं ये शेयर करने के लिए जा रही हूँ और मैं वही प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए जा रही हूँ जो कि आमतौर पर सभी हाउसवाइफ के पास मिलेंगे। वही 4 या 5 प्रोडक्ट से मैं आपको मेकअप करके दिखाऊंगी। आप सभी लोग जानते ही हैं, अगर जो हम स्मार्ट दिखते हैं तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाता है हमारे अंदर, एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो हाउसवाइफ हैं तो क्या हुआ, घर में हम अपने आप को खुद मेंटेन रख सकते हैं, खुद अपने आप को स्मार्ट दिखा सकते हैं, प्रेजेंटेबल दिखा सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने अभी फ़िलहाल मतलब कोई मेकअप नहीं किया है, तो बिल्कुल सिंपल। तो देखिए, मैंने कोई मेकअप नहीं किया है। तो सबसे पहले आमतौर पे जो लेडीज़ होती हैं, हाउसवाइफ्स होती हैं, उनके पास ज़्यादा मेकअप नहीं होता, ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है। ज़्यादा मेकअप वो अपने पास नहीं रखती हैं, तो आमतौर पर उनके पास क्या होता है, फेयर एंड लवली होती है उनके पास और एक कॉम्पैक्ट पाउडर होता है, कुछ लिपस्टिक्स होती हैं उनके पास और काजल ज़रूर मिल जाता है क्योंकि आजकल काजल लगाना सभी को पसंद है। तो यही गिनी चुनी चीज़ें होती हैं उनके पास, तो उन्हीं से ही मैं आपको मेकअप करके दिखाऊंगी। तो सबसे पहले तो मैंने अभी फ़िलहाल स्किन पे कुछ भी नहीं लगाया हुआ है, ना कोई मॉइस्चराइज़र लगाया हुआ है, कुछ भी मैंने अपनी स्किन पे अभी अप्लाई नहीं किया है। तो सबसे पहले हम मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं, कोई भी मेकअप करने से पहले हम मॉइस्चराइज़र का यूज़ करें ताकि हमारी स्किन टोन हो जाए। और जो कि सबसे पहले आप, ये है टोनर और ये समर सीज़न के लिए ही है, आप चाहे तो इसे यूज़ कर सकते हैं और लेकिन हाउसवाइफ के पास जहाँ तक मुझे लगता है टोनर नहीं मिलेगा और इसकी जगह आप इसको स्किप करके कर सकते हैं एज ए मॉइस्चराइज़र, एज ए टोनर एलोवेरा जेल, जो कि आजकल हर लेडीज़ के पास, हर हाउसवाइफ के पास मतलब अवेलेबल होता है। तो चलिए मैं सबसे पहले अपनी स्किन को टोन करती हूँ एलोवेरा जेल से। एलोवेरा जेल आपके मतलब स्किन को एक अलग ही फ्रेशनेस लुक देता है और आपकी स्किन को फ्रेश लुक देता है, तो बहुत ज़रूरी है अपनी स्किन को टोन करना। तो नेक तक हम कोई भी मेकअप करेंगे तो नेक तक उसको लगाएंगे। तो देखिए इस तरीके से आप लगा सकते हैं। तो देखिए मैंने लगा लिया है, ये मेरी स्किन को एक फ्रेश लुक देगा, टाइटन लुक देगा। एलोवेरा लगाने के बाद स्किन कितनी ज़्यादा फ्रेश लग रही है, और एक हाउसवाइफ के पास हमेशा मिलेगा वो होती है फेयर एंड लवली, लेकिन फेयर एंड लवली मैंने कभी यूज़ नहीं की, पता नहीं मुझे नहीं अच्छी लगती है वो क्रीम, मैंने कभी यूज़ नहीं की। तो उसकी जगह मैं करूँगी सीसी, कोई भी सीसी क्रीम यूज़ कर सकते हैं, कोई भी बेबी क्रीम यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपको मेकअप का मतलब फेस पे कवरेज मिल जाएगा, एक बेस मिल जाएगा जिससे आपका इवन टोन लगेगा और चेहरा अच्छा लगेगा, मेकअप लंबे समय तक टिकेगा। तो जिसके पास फेयर एंड लवली होती है तो वो फेयर एंड लवली लगा सकती है हाउसवाइफ। तो मेरे पास है लैक्मे की 925 सीसी क्रीम, तो मैं इसी का यूज़ करके दिखाऊंगी आपको, मतलब यही यूज़ करती हूँ, मुझे यही ठीक लगती है, फेयर एंड लवली मैंने कभी नहीं लगाई है। और मतलब आप अपनी स्किन के हिसाब से लगा सकते हैं ज़्यादा या कम, और इसमें भी आता है फेयर स्किन का भी आता है इसके अंदर, और फेयर स्किन के लिए है ब्रिज, क्योंकि मेरा कॉम्प्लेक्शन फेयर है तो मैंने ब्रिज ली है, और इसमें भी आपको कई सारे मिल जाएंगे जो आप अपनी स्किन टोन के हिसाब से इसको यूज़ कर सकते हैं। मुझे बहुत अच्छी लगती है ये सीसी क्रीम, तो मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ, यूज़ करूँगी, और थोड़ी सी ली है मैंने क्योंकि मेरे इस चेहरे पे फिर बहुत ज़्यादा ओवर लगती है, इस वजह से मैं थोड़ी सी हमेशा कोई भी बीबी या सीसी क्रीम हो तो हमेशा थोड़ी सी ही लगाती हूँ। तो मैं उसको लगा लूँगी नेक तक, कोई भी क्रीम अप्लाई करें आप तो नेक तक ही करें उसे। तो देखिए मैंने हल्की सी लगाई है, यही मुझे ओवर लगती है क्योंकि कलर फेयर है मेरा, तो कोई भी क्रीम ज़्यादा मैं नहीं यूज़ करती हूँ, ज़्यादा कोई भी क्रीम मतलब ओवर लगती है फिर अच्छी नहीं लगती। तो देखिए मैंने इजीली इसको स्प्रेड कर लिया है, तो देखिए आपका पहले और अब में काफ़ी अंतर नज़र आ रहा होगा मेरे फेस पे। हल्की सी क्रीम ही अप्लाई की है और ओनली मैंने किया है मॉइस्चराइज़र के लिए,
एलोवेरा जेल यूज़। और एक सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ होती है सभी हाउसवाइफ को, लेडीज़ को, गर्ल्स को, सभी को पसंद होती है, वो होता है काजल। तो अब हम करेंगे काजल का यूज़। काजल अब कोई भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि काजल के बिना आँखों का मेकअप है अधूरा। कॉम्पैक्ट पाउडर या लूज पाउडर हर एक घर में मिल जाता है, हर हाउसवाइफ के पास इजीली अवेलेबल होता है। तो मैं भी वैसे, मुझे कोई भी पाउडर का यूज़ नहीं करना है, मैं नहीं करती हूँ कोई पाउडर का यूज़। लेकिन समर सीज़न है तो बहुत ज़्यादा स्किन जो होती है ऑयली हो जाती है, और हम काजल लगाते हैं तो कुछ ही देर में बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्मच हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा गंदा लगता है वो। इससे तो फिर ऐसा लगता है लगाओ ना तो ज़्यादा बेटर है। तो ये एक छोटी सी टिप्स देना चाहूँगी मैं आपको, आप कोई भी काजल यूज़ करो, महंगा या सस्ता, तो थोड़ा सा लूज़ पाउडर हो या फिर कोई भी कॉम्पैक्ट पाउडर हो तो उसे ज़रूर यूज़ करो। तो मैं थोड़ा सा इसको यूज़ करूँगी और मैं पूरे फेस पे इसको अप्लाई नहीं करूँगी, आप चाहे तो पूरे फेस पे अप्लाई कर सकते हो। मैं इसको केवल आईज़ के आसपास के एरिया में ही इसको मैं अप्लाई करूँगी ताकि जो मैं काजल लगाऊँ तो वो स्मच ना हो। तो इस तरीके से मैं, क्योंकि किसी किसी की आईज़ बहुत ज़्यादा वाटरी होती हैं तो वो तो ज़्यादा मतलब वाटर लाइन से तो बिल्कुल ना लगाए काजल। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, आप चाहें तो देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाके। तो देखिए इस तरीके से मैंने अपनी आईज़ के चारों तरफ अच्छे से कॉम्पैक्ट पाउडर लगा लिया है ताकि जो मैं काजल लगाऊंगी वो लंबे समय तक टिके। तो अब मैं करूंगी काजल अप्लाई। तो ये मेरा हिमालय का काजल है। सबसे पहले काजल मैं लगाना स्टार्ट करूंगी अपनी वाटर लाइन पे। इस तरीके से देखिए, इस तरीके पहले आप यहाँ काजल लगा लीजिए और फिर उसके ऊपर देखिए अच्छे से काजल लग गया है। ज़्यादा डार्क नहीं करूँगी क्योंकि समर सीज़न है, और अगर जो आप चाहें यूज़ करना चाहते हैं तो आप लाइनर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर जो समर सीज़न है काजल का यूज़ करेंगे तो बहुत सही रहेगा क्योंकि पसीने बहुत आते हैं। तो देखिए अब आपको मेरी आईज़ में फ़र्क लग रहा होगा कि एक आईज़ में मैंने काजल लगाया है, एक में नहीं लगाया है, तो जल्दी से दूसरी में भी। तो देखिए मैंने काजल अप्लाई कर लिया है और केवल काजल लगाया है, कोई मस्कारा कोई लाइनर मैंने कुछ नहीं लगाया है। आप फ़र्क देख पा रहे होंगे पहले और अब में कितना फ़र्क आ गया है। केवल मैंने लगाई है एक बीबी क्रीम और काजल, और फ़र्क आप खुद देख सकते हैं। थोड़ा सा अपना मतलब ध्यान रख के आप अपने आप को स्मार्ट दिखा सकते हैं। तो अब मैं लगाऊंगी थोड़ी सी आईब्रो पेंसिल, सभी के पास होती है, आप चाहे तो इसे लगा सकते हैं नहीं तो स्किप कर सकते हैं क्योंकि ये भी हर लेडीज़ के पास मिल जाती है, तो चाहे तो आप हल्का सा लगा सकते हैं। तो देखिए तो अब हल्की सी लिपस्टिक अगर जो किसी को अच्छी लगती है तो लगा सकता है, समर सीज़न है, लाइट लगा सकता है, डार्क उसे पसंद है तो डार्क लगा सकता है। लिक्विड लिपस्टिक बहुत चल रही हैं जो कि स्मच नहीं होती हैं, और आप सुबह लगा के शाम तक अच्छे से वो चल जाएगी। तो मैं लगाऊंगी लाइट लिपस्टिक, आप चाहे तो डार्क भी लगा सकते हैं। चलिए मैं आपको डार्क ही लगा के दिखाती हूँ। देखिए ये है लिक्विड मैट लिपस्टिक जिसको आप सुबह लगाएंगे तो शाम तक वो ऐसी रहेगी, क्योंकि जो मुझे पता है ना हाउसवाइफ्स होती हैं वो लगा के भूल जाती हैं फिर, और कई होती हैं कि जैसे चाय वगैरह पीती हैं या बर्तन वगैरह पे लग जाती है तो वो बहुत गंदा लगता है, कहीं जाती हैं तो लग जाता है बहुत गंदा लगता है। तो इस वजह से आप इस वाली लिपस्टिक के साथ जा सकती हैं। ये लिक्विड लिपस्टिक है, मैट है और सुबह से शाम तक बिल्कुल भी कहीं नहीं जाती है, आप इसे छुड़ाना चाहोगे तो भी नहीं छुटेगी ये। तो ये लिपस्टिक बेस्ट है, आपको सजेस्ट करूँगी मैं, आप डेली यूज़ में लगाना चाहो तो बहुत सारी शेड्स आती हैं इसकी, आप इसको यूज़ कर सकते हो।
तो आउटलाइन नहीं करूँगी कोई, मैं इसको ऐसे ही अप्लाई करूँगी। तो देखिए मैंने लिपस्टिक अप्लाई कर ली है। आप चाहें लाइट भी यूज़ कर सकते हैं, डार्क भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए मेरा मेकअप लुक तैयार है। डेली यूज़ में हाउसवाइफ ये मेकअप लुक अपना सकती हैं, अपने आप को स्मार्ट दिखा सकती हैं। आप बिंदी लगाते हैं तो मेरा सिंपल हाउसवाइफ मेकअप लुक तैयार है। और ये केवल मैंने किया है 4 या 5 प्रोडक्ट से। एक तो मैंने किया है एलोवेरा जेल यूज़, और काजल का यूज़ किया है मैंने, एक किया है लिपस्टिक का यूज़। तो बस यही 4-5 चीज़ों से मैंने किया है अपना मेकअप। और आप पहले और अब में फ़र्क नज़र आ रहा होगा आपको कि कितना मतलब चेंज आ जाता है। और अगर जो हम अच्छे दिखते हैं तो एक कॉन्फिडेंस हमारे अंदर अलग आ ही जाता है, आप लोग जानते ही हैं। तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के थोड़ा सा अपने ऊपर गौर दे के आप अपने आप कुछ अलग और प्रेजेंटेबल दिखा सकते हैं। तो आप चाहें तो पोनी बना सकते हैं, बन बना सकते हैं, गर्मी का मौसम है तो कुछ भी आप ट्राई कर सकते हैं अपने बालों के साथ। आई होप आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर जो न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।